हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूक्लियर रिएक्टर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजेश पासवान और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है 10 सबूत कि चाइना चोर है। ये इस वीडियो का टाइटल है। वैसे भी आजकल तो आपने सुना ही होगा कि चाइना कितना न्यूज़ में है बना हुआ, उसके साथ हमारा कितना चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उससे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन अपने व्यावसायिक लाभ के लिए किसी दूसरी कंपनी का ट्रेडमार्क इस्तेमाल नहीं कर सकती, जैसे कि उसका सिंबल, नाम, टैगलाइन या फिर लोगो। और ऐसा करने पर कंपनी के ऑनर को ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट लॉ के अनुसार एक बड़ी राशि का भुगतान और जेल में उन्हें कई साल की सजा हो सकती है। पर दोस्तों, कई सारी कंपनियां खुद को बेहतर बनाने के लिए और अपने बिजनेस को कम समय में एक्सपेंड करने के लिए दूसरी कंपनी के ट्रेडमार्क्स को चुराती हैं और इस तरह का काम करने में चीनी कंपनियां सबसे पहले आती हैं। जी ये तो है, ये तो मैंने बहुत न्यूज़ सुनी है कि चाइना ना छोटी से लेके हाई लेवल तक की सारी कॉपी करता है। अब देखिए इसमें क्या क्या इसने कोरी मतलब कॉपी किया हुआ है। दोस्तों, चीन ही एक ऐसा देश है जिसे दूसरे देशों में कॉपीकैट कहा जाता है। और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि चीन ने दुनिया के हर सेक्टर में ही इंटेलेक्चुअल थ्रिफ्ट किया है। और दोस्तों, दूसरे देशों में कोई भी नया प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज आ जाए तो खुद के इन्वेंशन की जगह पर चीन तुरंत ही उनके आइडियाज को चुरा कर उनके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को तैयार कर देता है। यहाँ तक कि ओरिजिनल चीजों को वह अपने देश में आने ही नहीं देता। और आज के इस वीडियो में भी हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे ही 10 प्रोडक्ट्स के बारे में जिसका चीन सीधे तौर पर कॉपी करता है। तो दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है KFC। KFC एक अमेरिकी फास्ट फूड रेस्टोरेंट चैन है जो कि पूरे विश्व में चिकन फ्राइड में माहिर है और इनके चिकन की तुलना किसी और रेस्टोरेंट के चिकन से करना काफी मुश्किल है। और इस ब्रांड के संस्थापक अमेरिकन बिजनेसमैन कर्नल सैंडर्स हैं, जिन्हें की 1000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट वालों ने उनके चिकन रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और खुद का रेस्टोरेंट खोला। और फिर क्या था, अपनी लाजवाब चिकन फ्राइड रेसिपी से उन्होंने लाखों लोगों का ध्यान आकर्षित किया और उनका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। और दोस्तों, आज के समय में उनकी फास्ट फूड रेस्टोरेंट कंपनी KFC के 150 से भी ज्यादा देशों में करीब 23,000 रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, जहां मार्केट बढ़ते हुए दिखता है वहां पर चीन अपनी टांग अड़ाने आ ही जाता है। और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब चीन ने देखा कि लोग KFC के चिकन को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो उन्होंने KFG नाम के ब्रांड का रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम और लोगो दिखने में KFC के जैसा ही है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स, जो कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की गिनती में गिने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी चीज मार्केट में आई नहीं कि चीन का चोरी करना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ इसी तरह का काम उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का नाम चुराकर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में बदल दिया। और दोस्तों, स्टारबक्स जैसे फेमस कॉफी हाउस कंपनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यहाँ की कॉफी लोगों को दीवाना बना देती है और यही वजह है कि स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी चैन है। और दोस्तों, यह 70 से भी ज्यादा देशों में देखने को मिल जाती है। लेकिन दुनिया भर के कॉन्सेप्ट को चोरी करने वाला चीन इसमें भी कहां पीछे रहने वाला। चीन ने स्टारबक्स जैसे ही लोगो का इस्तेमाल करके सनबक्स कॉफी हाउस चैन बनाई और यहां भी ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने पर उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। इसके अलावा नोकिया का मोबाइल फोन, जो कि एक समय सबके पास होता था और एक तरह से मोबाइल फोन का यह दूसरा नाम था, लेकिन चीन ने नोकिया का नाम कॉपी करके नोकला का फोन बनाया। और अगर जल्दी में हम देखेंगे तो आई और एल में हमें अंतर दिख ही नहीं पाएगा। और एक तरह से यहाँ भी चीन के चोर होने का सबूत साफ साफ देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, कुछ ऐसे ही ओरियो बिस्किट्स के टेस्ट का हर कोई दीवाना है और आज इस ब्रांड को मार्केट में आए हुए 100 सालों से भी ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन चीन ने यहाँ पर भी इस ब्रांड का कॉपी करके बोरियो नाम का एक बिस्किट निकाला। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बोरियो का लोगो भी बिल्कुल ओरियो की तरह ही है। हालांकि चालाक चोर चीन को ट्रेडमार्क के नियम से कोई लेना देना ही नहीं और पूरे देश में वे कॉपी किए हुए चीजों को बेच रहे हैं।
और दोस्तों इसी तरह से पिज्जा हट भी एक अमेरिकन रेस्टोरेंट कंपनी है जो कि अपने लाजवाब पिज्जा के लिए पूरी दुनिया में ही जाना जाता है और दुनिया भर के कई सारे देशों में इसके करीब 19,000 रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। लेकिन चीन भैया चोरी तो करेगा ही और यहाँ भी उसने पिज्जा हो नाम से पिज्जा हट का ट्रेडमार्क चुराया। और दोस्तों कुछ इसी तरह से एडिडास का एविबास करना भी सिर्फ चीन को ही आता है और मेरे ख्याल से भारत में भी जो एडिडास की कॉपी प्रोडक्ट्स आती हैं वो चीन ही एक्सपोर्ट करता है। अब एक कमरे से शुरू किया गया एडिडास का बिजनेस जहां पूरी दुनिया में पहुंच चुका है वहीं चीन को चोरी करने में थोड़ा भी समय नहीं लगता। और दोस्तों हद तो तब हो जाती है जब मास्टर कार्ड्स जो कि फाइनेंशियल सर्विस पूरी दुनिया को ही प्रोवाइड करता है उसकी कॉपी करके चीन ने अपने देश में एक फूड चैन ही बना लिया है जहां पर वे गाय के मांस से बने हुए मीट को बेचते हैं। और दोस्तों इसके अलावा नाइकी का हाइकी करना हो या फिर बर्गर किंग का किंग बर्गर चीन कॉपी करने में कहीं भी पीछे नहीं रहता। और दोस्तों आज के इस वीडियो में तो हमने सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स के बारे में ही बताया है लेकिन चीन इसी तरह के सैकड़ों प्रोडक्ट्स जो कि पूरी दुनिया में फेमस है उनकी कॉपी करता है। वैसे दोस्तों आप इस चीन के चोरी को क्या नाम देंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप अगर एक ऐसे इंटरेस्टिंग सनकी इंसान की कहानी सुनना चाहते हैं जो कि बंदूक होने के बावजूद भी तीर और धनुष से लड़ाई करता था तो आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन किए गए लिंक से वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी और दोस्तों इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए तो ये थी वीडियो। और भाई साहब चाइना तो सबसे बड़ा चोर है, मतलब लोगों में भी ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं करता है। जैसे कि इसमें वीडियो में देखा हमने नोकिया का नोक ला कर दिया और आई और एल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब दूर से अगर जल्दबाजी में देखोगे तो वो नोकिया ही लगेगा। पिज़्ज़ा हट की कॉपी कर दी और कॉपी भी ऐसी करते हैं कि थोड़ा डिफरेंस भी नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कर लेते हैं सेम टू सेम। मेरे को तो लग रहा है कि तभी चाइनीज़ इकोनॉमी इतनी आ गए, मतलब दुनिया की सेकेंड नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएसए के बाद और मेरे को लग रहा है कि वो कॉपी करके ही इतनी बड़ी बनी है। और अभी मतलब आपने भी कुछ साल पहले जब एंड्रॉयड फ़ोन जब मतलब आए थे तब आईफोन की कॉपीज मिलती थी मार्केट में, ठीक है, दिखने में बिल्कुल वैसी क्वालिटी एकदम बकवास होती थी पर दिखने में बिल्कुल आईफोन थी होती। एक बार तो मैं भी चांस में आया था, एक बार मेरे किसी दोस्त ने मतलब मेरे भाई ने मुझे आईफोन एक फ़ोन दिया और बोला ये आईफोन है और लुक से तो बिल्कुल आईफोन था लग रहा, वही मान गया था। और इंडिया में भी कितनी सारी कॉपीज मिलती हैं जो ब्रांडेड कंपनी है उनकी वो, और हमने सुना भी है कि सब के सब जो है चाइना से ही आती हैं। तो चाइना के लोग इतना जो माल कमाते हैं ना, मेरे को लग रहा सब जो है कॉपी करके ही कमाया, उनका खुद का इनोवेशन जो है बहुत कम होता है। एक ऐसी न्यूज़ थी जैसे अभी इंडिया ने रशिया से S-400 जो एक वो है ना क्या कहते हैं उसे मिसाइल्स जो है वो खरीदी हैं और S-400 से पहले आया था S-300 और S-300 को रशिया ने चाइना को बेचा था और चाइना ने बिल्कुल ही S-300 का कॉपी करके अपना एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो बना लिया था। तो चाइना छोटे से लेके बड़ी और सब कुछ कॉपी कर सकता है भाई, उसके पास कॉपी करने का दिमाग तो है, उसमें कोई शक नहीं है, कॉपी वो कर लेता है पर खुद का उसके अंदर कोई मतलब इनोवेशन नहीं है। पर जो भी हो उनका ये कॉपी वाला जो सिस्टम है एक्चुअली उनकी इकोनॉमी के लिए तो अच्छा ही है, ठीक है, इतनी बड़ी इकोनॉमी वो जो है बन चुके हैं। पर धीरे धीरे अब दुनिया का मालूम पड़ रहा है कि चाइना की आइडियोलॉजी क्या है और वो कैसे काम करती है, धीरे धीरे बॉयकॉट शुरू हो रहा है तो आई होप चाइना भी समझ जाए कि उसको अपने जो तरीके हैं वो थोड़े ठीक करने पड़ेंगे वरना एक दिन क्या होगा वो तो आप खुद अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो ये पूरी थी वीडियो और मुझे आज काफ़ी कुछ नया मालूम पड़ा कि चाइना में ये ब्रांड भी हैं और वो भी बिल्कुल ओरिजिनल मतलब जो ओरिजिनल जो ब्रांड है उनके जैसे ही हैं, दिखने में भी हैं और फंक्शनिंग में तो पता नहीं कैसे ही होंगे। तो ये वीडियो था,
आज के लिए बस इतना ही है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको मुझे कोई वो एडवाइस करना हो, कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे भी कर सकते हैं। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो ओरिजिनल वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। चलिए अब आपसे मैं विदा लेता हूँ, बाय बाय।